जो भी अफवाहें हैं सब गलत है, ये पब्लिक को गुमराह करने के अफवाहें हैं। आप लोग आराम से गोश्त खाइए, क्योंकि जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स है वो लोग भी आपको खुलकर बताए, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। गुज़श्ता चंद दिनों से बड़े जानवरों में लिपी जिल्द बीमारी के मुतासिर होने के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसकी वजह से गोश्त का कारोबार शहर में काफी हद तक मुतासिर हुआ। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए सदर नशीन स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के जरिए सदारत रमनसपुरा मसलख कामाटीपुरे में एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें वेटरनरी डॉक्टर्स और मौके में एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की कि रियासत तेलंगाना में लिपी बीमारी का फिल वक्त कोई वजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट हकायक के मगायर हैं। डॉक्टर्स ने इस बात की वजाहत की कि मसालिक में दुबा होने वाले जानवर डॉक्टर्स की रात निगरानी और जांच पड़ताल के बाद ही किए जाते हैं। अगर कोई जानवर किसी बीमारी से मुतासर पाया जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर साधु गुरना देवी, डॉक्टर वकील, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर मोहम्मद फरीद कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बाद अजां सदर नशीन वक्फ बोर्ड और सदर जमीयतुल कुरैश आंध्र प्रदेश मोहम्मद सलीम ने सोशल मीडिया और दीगर ज़राए बलाग में ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। जो भी अफवाहें हैं सब गलत है, ये पब्लिक को गुमराह करने के अफवाहें हैं। आप लोग आराम से गोश्त खाइए, क्योंकि जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स है वो लोग भी आपको खुलकर बताए, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के हैं। अगर कोई गलत बताए तो ये लोग की ड्यूटी चले जाती। जो भी मीडिया के भाई जो है ना गलत अगर डाल रहे हैं तो उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको निकाल दीजिए, उसको फौरन निकाल कर जो है ना जो है फैक्ट डालिए आप, क्योंकि यहाँ पर नहीं है ये। 2012 में जो है ना अफ्रीका में आया बोल के डॉक्टर साहब भी बताए, और भी अदर कंट्रियों में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये बीमारियाँ आते हैं यहाँ अपने पास, क्योंकि वो लोग इंजेक्शन देके जानवर को हेवी करते हैं। वो लोग यहाँ हेवी नहीं रहता, यहाँ पर जानवर जो है ओरिजिनल वही रहता है। ये मुर्गी वगैरह में जो है ना इंजेक्शन देके कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता, या ये बड़े जानवर में जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता। और एक आध जानवर अगर रहा भी तो उसको जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स जो है, या हो या डिस्ट्रिक्टों में हो कहीं भी हो, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी जो है कहीं भी कुछ भी नहीं है। अल्लाह के करम से आप लोग खा सकते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये सब गलत अफवाह है, बिल्कुल जो है ना डॉक्टर्स जो हमारे बताए वो प्रैक्टिकल है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी है और गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी ये लेटर निकल चुका है। सुने हम गवर्नमेंट खुद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट का है, और जीएचएमसी के डॉक्टर्स हैं आप लोग तो पूरी तरीके से जानते हैं। अगर गलत रहा तो ये लोग खुद एक मिनट में बंद कर देते, स्लॉटरी बंद हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह के करम से आप लोग आराम से तो अपना खाइए, आराम से जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे चीज़ों को केयरफुल रह के ये करिए आप। सब्जियों में तो भी जो है ना हाइब्रिड रहती, हर चीज़ में रहती, मगर गोश्त में जो है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना गोश्त जानवर जुबा करते जो अल्लाह अकबर बोल के तो हलाल रहता है, हलाल में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। खुदा हाफिज। दूसरे स्टेट खादर भाई एक मिनट, दूसरे स्टेटों से हमारे को कोई नहीं, दूसरे स्टेटों में भी है नहीं है, हमको नहीं मालूम, नहीं होना चाहिए। मेरे को जहाँ तक अंदाजा है नहीं होना चाहिए, मगर जो है हमारे तेलंगाना स्टेट में और हैदराबाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब को जो है ना पर्सनली मैं मॉनिटर करते हैं, ऐसे कोई चीज़ आया तो इमीडिएट केटीआर साहब केसीआर साहब जो है ना उसको बंद करा देते हैं उसको, और ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप लोग जो है ना इंजॉयमेंट करिए, खाइए आप लोग। अब भी जो है ना कुछ डेलीगेशन गया था वहाँ पर, असद साहब भी जो है ना वही बताया कि मतलब एनिमल हस्बेंड्री से उन्होंने भी एक फ़ोन करें, मैं भी जो है ना फ़ोन पर बातचीत हुई, होने के बाद में लेटर निकाले वो लोग। ये गवर्नमेंट का लेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को।